सलाहुद्दीन को दिया वक्त खत्म हो गया। मैंने सलाहुद्दीन को कह दिया था अगर मुझे ग्रेगोर ना दिया तो मार दूंगा, जबान की पाबंदी करेंगे। सलाहुद्दीन को अस्कलान पहुंचने से पहले मौत के घाट उतार देंगे। घोड़े तैयार किए जाएं। तुम जिन्हें अपना बाप समझते थे वो तुम्हारे बाप नहीं थे, समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है। इसलिए तो नहीं है तुम्हारी अहमियत कि नूरुद्दीन के बेटे थे, इसलिए है कि तुम सलाहुद्दीन हो। जिन्होंने तुमसे मोहब्बत की उन्होंने सलाहुद्दीन से मोहब्बत की है। एक बार इसी तरह तुमने मेरे दिल पर हाथ रख के मुझसे अपना दिल महसूस करने की दरख्वास्त की थी, सो एक अजियतनाक लम्हे में तुम्हारे एहसास ने तसल्ली दी मुझे। सो आज से मेरे हर दर्द की दवा तुम्हारा दिल है। तुमने अपने मफादात के लिए भाइयों को आपस में दुश्मन बना दिया है। आज इस जंग का फैसला हम दोनों में क्यों ना हो जाए, दूसरों का खून क्यों बहाएं? अगर तख्त चाहिए तो बहादुर की तरह सामने आ जा। मैं भी तो यही सोच रहा हूँ, दूसरों का खून नहीं बहाना चाहिए, इसलिए दू बदू आज इस मैदान में फैसला कर डालते हैं। आज या तो तख्त या फिर तख्ता। के लिए भीख मांगने से कहीं बेहतर था कि मैं शुरू से ही तलवार उठा लेता। हर किसी को वही मिलता है जिसका वो हकदार होता है। मेरे लिए फतह, तुम्हारे लिए मौत है।